दोस्तों फाइनली हम वाले में पहुंच गए और वहां पे कुछ हल्का फुल्का फोटोशॉप किया। काफ़ी अच्छे पिक्स आई हैं, खूबसूरत लग रही, सोचा आपसे शेयर करूं। हेलो फ्रेंड, काफ़ी बेहतरीन जगह है। अर्जुन भाई हाय कर रहे हैं सबको। काफ़ी खूबसूरत लाजवाब दिलकश वैली है ये। मैंने सोचा कि आपको इसका एक व्यू दे दूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे, ये रहा ज़बरदस्त माउंटेन और ये बिल्कुल चट्टान की तरह ये आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है पहाड़। तो ये 360 व्यू मैं दे रहा हूँ आपको इसका। तो काफ़ी लाजवाब है ये, काफ़ी बेहतरीन है वैली, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है, एक्चुअली रिजर्व है ये। दोस्तों स्वागत है आपका वादी अल दिशा में। हम यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी बेहतरीन और दिलचस्प नज़ारा है और हमारे सामने देखिए चश्मा बह रहा है, पानी है एक्चुअली, और ठंड है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत हरा भरा इलाका है ये। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो पब्लिक आ रही है, जा रही है, यहाँ पे इंजॉय भी कर रही है। तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा नज़ारा है। हम कोशिश करते हैं कि उधर आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे, लेकिन वाकई काफ़ी बेहतरीन जगह है और थोड़ी ठंड भी है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये वादी, वादी अल दिशा। बिल्कुल रिजर्व है ये, नेशनल रिजर्व पार्क है ये सऊदी अरबिया का। आप माउंटेन देखिए वादी और ये पानी का फ्लो है। वादी के अंदर हम आ गए हैं, काफ़ी खूबसूरत है वादी। ये देखिए यहाँ पे ड्राइव करने के लिए ले सकते हैं आपको वादी में। बहुत ही लाजवाब है ये जगह, वादी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और ये कंटिन्यू इसके अंदर से पानी आ रहा है। अभी हम लोग इसके अंदर से क्रॉस करके जा रहे हैं। तो बेहतरीन है यारो, कसम से वेरी वॉटफुल है। आप आए, देखें, इंजॉय करें। अल्लाह, यस, दिस इज एक्सलेंट, वी कांट बिलीव इट, इट इज सऊदी अरेबिया। ये उतर के वीडियो बनाए, उतर के वीडियो बनाए। दोस्तों मैं गाड़ी के ऊपर आ गया हूँ, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है ये वादी का, काफ़ी खूबसूरत वादी है ये। मैं चारों तरफ आपको दिखाता हूँ इसका व्यू, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ये वादी अल दिशा। और मेरे पीछे काफ़ी थोड़ा सा हल्का सा ट्रैफिक जैम हो गया है एक्चुअली, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी मज़ेदार जगह है। हम अभी इस पीछे जो दिख रहा रास्ता आपको, इनसे यहाँ से हमको आगे जाना है और मैं गाड़ी की हुड पे आ गया हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए। तो पानी है नीचे बिल्कुल भरा हुआ काफ़ी बेहतरीन लग रहा है मुझे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है एक्चुअली। और हम साइड से जाएंगे, साइड से लेके जाएंगे यहाँ, साइड से, ओके, जैसे सारी गाड़ियाँ गई हैं, धीरे धीरे बढ़ाए आओगे। तो काफ़ी अच्छा है जगह है ये, और ये मुझे झाड़ियाँ लग सकती है, झाड़ियाँ लग सकती है मुझे, आराम से चलाइए। ओके गुड, अल्लाह अल्लाह, ओके ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसी तरफ। फोर बाई फोर, हाँ फोर बाई फोर डालिए, स्टॉप करके, फोर बाई फोर स्टॉप करके। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये काफी बेहतरीन वैली है, काफी खूबसूरत वैली है ये।
मैं कैमरा फिर से घुमाता हूँ अपना आगे की तरफ। ओके ओके सही है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ठंड भी वैसे बढ़ रही है। काफी खूबसूरत वैली है ये। तो दोस्तों मैं गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया हूँ इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है और गाड़ी हमारी स्लो स्लो आगे आगे बढ़ रही है और ये वैली है। मैं बिल्कुल गाड़ी के ऊपर हूँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पीछे इस तरफ हम जा रहे हैं आगे की तरफ। धीरे धीरे गाड़ी हमारी आगे बढ़ रही है। काफ़ी सुकून भरा पल है ये। ठंड भी है एक्चुअली काफ़ी। अच्छा किया हम लोगों ने जैकेट ले लिया था, मुझे पता था कि यहाँ पे ज़रूर ठंड होने वाली है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अर्जुन भाई आगे लेके चले गाड़ी। हाँ काफ़ी सही है ये। दिखाता हूँ उनको पीछे से। ये एक्चुअली यहाँ पे मज़रा है, गार्डन है और हम आगे बढ़ रहे हैं इस वैली में। काफ़ी इंजॉय है, करने की जगह है। आइए आइए मज़ा लीजिए इस वैली का, इन पहाड़ों का। अर्जुन भाई यार मज़ा आ गया ऊपर से। ओके ओके अर्जुन भाई बोल रहे हैं यार तुम ऊपर मज़ा ले रहे हो, जब अब तुम चलाओगे गाड़ी और मैं नीचे रहूँगा। बोला ओके नो इशू नो इशू। तो ये वैली है देखिए, काफ़ी खूबसूरत वैली है ये, लाजवाब बेहतरीन। और एक्चुअली ठंड भी लग रही है काफ़ी। हाँ अर्जुन भाई ठंड लग रही है आपको? बस लिफ्ट में लेके आके चलते रहना हमने। तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे एक फॉल भी है, झरना है, पानी गिर रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल है बिल्कुल। और ये इन पहाड़ों से पानी, ये पहाड़ एक तरफ टिल्ट किया हुआ है, ये लगता है अभी गिर जाएगा हमारे ऊपर। तो अभी हम आगे चलेंगे आराम से आराम से। फोर व्हील फोर व्हील। You have to drive along with this water, huh? Then you have not gotten stuck up here. You have to put it on a four wheel. Don't forget. Oh, that's good. Hey! Whoa! Whoa! If you see Arjun, can you bring your head outside? Yeah.
आराम से भाई साहब, आराम से। मैं तो बैठ गया। थोड़ा आराम से जाएं तो आराम से चलाएं। आसिफ भाई, वैली के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और साथ में आप देखेंगे ये लोकल लोग जो हैं अरबी घोड़े का लुत्फ़ उठा रहे हैं इस वैली के अंदर। और ये घोड़े के ऊपर खड़ा ये बंदा, ज़रा अभी इसको खौफ नहीं है लेकिन इंजॉय फुल कर रहा है और ये जम करके नीचे आ गया। तो अरबी घोड़े हैं, काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए, अपनी पावर के लिए, अपने स्टेमिना के लिए। तो मज़ा है यहाँ पर आकर के इन सब चीज़ों को देखना, इंजॉय करना। तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ, आइए फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए इन सब चीज़ को, इन जगहों को और इन व्यूज़ को। एक्शन बोलिएगा। सो दोस्तों, ये रहा हमारा वादी अल दिशा, काफ़ी अच्छा टूर था, काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया और काफ़ी ठंड भी लग रही है, कैप पहनना चाहिए था हम लोगों को जो भी कैप नहीं पहनी हमने, और काफ़ी एंजॉय किया, रास्ता काफ़ी एडवेंचरस था। और आप वीडियो में देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आप दुबई में रह रहे हैं, तबूक में रह रहे हैं, अलवज में हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कम वादी अल दिशा, बिल्कुल ना भूलें वादी अल दिशा को, बिल्कुल वर्थ है। एक घंटे की ड्राइव है दुबई से, दो घंटे की ड्राइव है तबूक से, और शर्मा से भी ऑलमोस्ट दो घंटे लगेंगे। तो प्लीज़ आइए, एंजॉय कीजिए,
इस प्लेस को एक्सप्लोर कीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट। तो मिलते हैं यारो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।